गोपाल जी का भोग लगा करो, खुद लगा करो अपने हाथ, फिर खाओ। ठीक है जी। तो कितना टाइम हो गया पापा खेले हुए? हमने खेला है ना आज तक, आज तक ही नहीं खेला। Fired all of the bullets. Yeah, you shot me through the heart. Casting dice and roulette. गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। और यार दिल्ली के मौसम का सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सुबह सुबह उठा, नहाया, पूजा की, रेडी होकर पार्क गया, मौसम बढ़िया था, सब कुछ था, और जैसे ही पार्क पहुंचा बारिश हो गई, फिर एक जो शेड सी बनी रहती है उसके नीचे खड़ा रहा, वेट किया, फिर मौसम ठीक हुआ, फिर थोड़ा सा राउंड लिया, फिर बारिश हो गई, और फाइनली थोड़ा सा वर्कआउट करके घर आ गया, और घर आके फिर मैंने थोड़ा योगा की, और उसके बाद सो गया, और अब सोकर उठा हूं। और यार मैं हर बार अब आपका स्वागत करना भूल जाता हूं, पिछली वीडियो में भी नहीं किया था, शायद उससे पिछली में भी नहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब मेरी तरह बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और यार खुश ही रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर। मेरा जो ट्रिमर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, मेरे ट्रिमर में ना आगे ब्लेड लगती है और वो उसकी ब्लेड घिस गई है, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूं, नहीं हो पा रही है। तो आज मैं शेव बनाने वाला हूं। शेव मैं करीब 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 एक से डेढ़ साल बाद बना रहा हूं, मतलब मैं काफी कम शेव बनाता हूं। मुश्किल से मुश्किल जब कोई अर्जेंट हो या कहीं जाना हो, इमरजेंसी हो, जब करता हूं। मैंने लास्ट शेव आज से एक डेढ़ साल पहले बनाई थी, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है, ब्लेड मेरा काम कर नहीं रहा है, बाहर शॉप खुल नहीं रही है, तो मैं आज शेविंग करने वाला हूं। अब हम आपको नहाकर मिलते हैं। शेव बनाकर नहा लिया हूं, और इस लॉकडाउन में और पिछले लॉकडाउन में यार बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने इस लॉकडाउन में मैंने गिटार सीखा, कुकिंग सीखी, शेव बनाना सीख लिया, छोटी छोटी चीजें थी लेकिन बहुत कुछ सीखा। और जो YouTube पर आप चैनल देख रहे हैं ये सब मैंने लास्ट लॉकडाउन में सीखा था, किस तरह चैनल बनाना है, क्या क्या करना है, कैमरा कौन सा अच्छा है, कैमरा कौन सा परचेज करना चाहिए, उसकी सेटिंग, उसके फीचर्स, और उसके बाद वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, वीडियो एडिटिंग में क्या क्या ध्यान रखना है, अपलोड करते हुए क्या ध्यान रखना है, काफी चीजें देखी, काफी चीजें सीखी। मेरे को तो लॉकडाउन से ऐसा लगा कि ईयर में 15-20 डेज हमें मिनी रिटायरमेंट एक इस तरह की लेनी चाहिए जिसमें हम घर पर रहें, फैमिली के साथ रहें और कुछ नया सीखें। आप क्या बोलते हो, कमेंट्स कर जरूर बताना ऐसा होना चाहिए या नहीं। फ्रूट्स मैंने पार्क से आने के बाद खा लिए थे, और अब मैं ले रहा हूं लस्सी और ड्राई फ्रूट। लस्सी काफी टाइम बाद पी रहा हूं, सुबह ज्यादातर दूध पीता हूं, लेकिन आज दिन की शुरुआत लस्सी से हो रही है। मजा आ गया, ठंडी ठंडी लस्सी। दिल्ली का मौसम ठंडा और ये लस्सी भी ठंडी। और कल जो टेम्परेचर था 35-36 से सीधा 16 पे आ गया था, और इस वजह से रात को एसी भी नहीं चलाना पड़ रहा था, और पूरी रात बिना एसी के सिर्फ फैन में अच्छे से नींद आई। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने थोड़ा नेटफ्लिक्स देखा, थोड़ा यूट्यूब देखा, और अब टाइम हो गया है 6:10, और अब मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि शेव जो बनाई थी उसमें ये जो ब्रश यूज होता है ये पापा का लाया था, तो ये दे देता हूँ जाकर, और थोड़ा नाश्ता शाम को कर लेता हूँ। वो भी क्या दिन होते थे, सेव वेव बना के बाहर जाना, लॉकडाउन में सेव बना कर बस घर में सो जाओ और कुछ भी नहीं करना। कहाँ है पापा? पार्क गए। आप क्या कर रहे हो? मैं भी कर रही हूँ कुछ। क्या कर रहे हो? बर्फी बना दी। बर्फी, काजू की बर्फी फाइनली। बीरबल की खिचड़ी तैयार हो गई। खाएंगे कब? अभी खा सकते हैं। अभी पहले गोपाल जी का भोग लगा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। गोपाल जी का भोग लगा करो, खुद लगा करो अपने हाथ, फिर खाओ। ठीक है जी। तो भोग लगा के आते हैं, फिर हम भोग लगाएंगे। चलो जी भोग लगा दें। चलो जी भोग लगा दिया, अब हमें भोग लगा दो। इसको डब्बे में क्यों रख रहे हो? डब्बे में डाल के रख देंगे ताकि सूखे ना, खराब ना हो। लाइए। एक और नया बिजनेस, अब ढाबे की जगह हलवाई। हल्दीराम फेल, एक खोसा ढाबा, एक मिठाई, और लॉकडाउन में ये दुकानें बंद भी नहीं हो रही हैं। ये दुकानें बंद भी नहीं हो रही, पर ये हल्दीराम के बिकेंगे या नहीं बिकेंगे ये ना नहीं खरीदेगा कोई भी, ये घर में ही खा सकते हो। तो नहीं, बहुत अच्छी है, मजा आ गया। हुआ क्या है? अरे हुआ क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हुआ क्या है आपको? अरे देखो, अरे चाहते क्या हो? ये हमारी पिल्लो कवर है, दो। गंदी बात, गंदी बात, पिल्लो कवर है, फट जाएगा। छोड़ो तो सही एक बार,
अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम अपना कवर ही तो मांग रहे हैं। हाँ क्या? हाँ बुलाऊं? मम्मी बॉस की देख क्या कर रही है, अब क्यों भाग रही है? मम्मी ऐसे नहीं छोड़ेगी, तो मुझे पता है। ला दे, गंदी बात नहीं। अरे नहीं 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 दूंगा, नहीं दूंगा। आज मम्मी पापा का मैं कंपटीशन करा रहा हूँ कैरम का, दोनों कैरम खेलेंगे। कितना टाइम हो गया पापा खेले हुए? हमने खेला है ना आज तक। आज तक ही नहीं खेला? और तुम्हें? तुम्हें तो बहुत दिन परेशान। स्टार्ट करो, चलो रूल तो पता है ना। चलो मम्मी को तो पता, मम्मी ने स्टार्ट कर दिया। चलो पहली फ्री गई, बॉस की बकरी है लेने के लिए। जैसी गोटी की आवाज आएगी बॉस खेल जाएगी। देखो एक भी नहीं लाया अभी कोई भी, बताओ हद कर दी। हाँ उसमें मार देख वो लगी हुई है, अभी फाउल हो जाता। तो 10 मिनट खेलते खेलते हो गए हैं और एक भी गोटी किसी की नहीं आई है। आ गई कहाँ आई है? नहीं आई बॉस की। आएगी भी नहीं, ये लगी तो ये मम्मी मार अच्छे से। कितनी जल्दी से गोटी आ गई, गोटी ले गई, गोटी छोड़ो छोड़ छोड़ इसके मुंह में। गोटी जो आई है वो 50 की आई है, और 50 की गोटी के बाद एक और गोटी लेनी होती है जब आती है। पहली 50 की आ गई उससे। रुको रुको ये रुको 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 रुको, रुको। ओए आ गई। एक भी नहीं आई और सीधा 50 की और 20 की आ गई। इसे किस्मत है कर्मा है। लो अब एक साथ आ गई, एक और आ गई। अब पापा लानी पड़ेगी तुम्हें भी, एक भी नहीं आई तुम्हारी। लो आ गई, एक आ गई। इस पे नहीं मारना, रुक जाओ इस पे से मारना, और जो लाइन पे इस पे नहीं मारना, इधर से मारो। चलो वैसे उसे भी नहीं मारना था लेकिन चलो ठीक है, उसे अंदर कर दो, उसकी वजह से भी अंदर गोटी नहीं जाएगी। अब अंश भी आ गया, अब हम चारों खेलेंगे। और ये वाली गेम पापा जीत गए थे, मम्मी हार गई। वैसे शुरू में स्टार्टिंग में मम्मी ने सारी गोटियां ली थी, पापा की एक भी नहीं है। उसके 10-20 कर करके पापा ने 10 की 20 की 10 की 20 की सारी गोटियां ले ली। पूरी गेम खत्म होने वाली है और मम्मी की अब जाके 20 की गोटी आई है, मतलब ये बस 4 गोटी रह गई है पूरी गेम में, सिर्फ अब जाके आई है 20 की। पापा कह रहे हैं खेलना नहीं आता, सबसे अच्छा पापा खेल रहे हैं। आप ले रहे हो सबसे ज्यादा? तो बाद में ले गया हूँ, पहले तो पापा ही ले जा रहे हैं। अब अटक गई गेम, खाली 50 की और 10 की रह रही है, ये दोनों जब तक नहीं लोगे। अगर ये एंड में रुक गई ना, चलो चलो चलो, मेरे को ये नहीं लूंगा तो वो नहीं मिलेगी। पापा बोल रहे थे मुझे खेलना नहीं आता, मैंने आज तक नहीं खेला, और दोनों मैच पापा ही जीते हैं। और मम्मी से कह, मैं जीता तू जीती एक ही बात है, मैं जीत गया तो तू भी जीत गई। वाह भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कुछ भी ना कहना चाहेंगे। और पहली वाली, पहले 50 फिर 20 फिर 10, और इस बार टोटल आई है 30। इस बार टोटल 30, अंश के पास थे 50-60 और मेरे पास भी अच्छे खासे थे, लेकिन जीत गए। चलो कहाँ है ऐसा लकवा लग गया। खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चला, सुबह पार्क गया था वहां भी एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी, बारिश हो रही थी, और अब शाम को भी खेलने में टाइम का पता ही नहीं चला और मेरा जिम का टाइम निकल गया। अभी टाइम हो रहा है 9:41 और पूरा जिम का टाइम निकल गया। अब तो क्या जिम जाऊंगा, बस अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं, मिलता हूं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना क्या अच्छा क्या बुरा लगा, यार कुछ ना कुछ कमेंट्स जरूर करके जाया करो, मुझे अच्छा लगता है। उससे पता चलता है आप दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना आगे नई नई वीडियो देखने के लिए, और थोड़ा मुझे मोटिवेट करने के लिए जो मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर कुछ ना कुछ डालता रहूं। रोज कुछ ना कुछ डेली व्लॉग आता है 7 बजे, तो आप देखते रहिएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो कुछ नया लेकर। जब तक के लिए बाय, टाटा सी यू।